गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो जो है अपनी जावा स्पैरो के ब्रीडिंग से रिलेटेड होने वाला है। जब जावा स्पैरो ने अपने जो है पहले अंडे दिए थे, तब मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया था और आपसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन भी इसके बेबीज़ हैच होना शुरू होंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आज सडनली जब मैं ब्रीडिंग सबकी चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि इसके जावा के भी एक चिक हैच हो गया। काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था, सेटअप पे नहीं आ रहा था, और आज जैसे ही आया तो देखा कि जो है इसके एक की डेट के लगभग 25 से 28 दिन हो गए थे। तो मैंने कहा क्यों ना सभी की चेक कर लिया जाए। तो साथ ही साथ जब इसका भी चेक करता हूँ तो इसमें भी मुझे एक चिक्स देखने को मिलता है। तो इसने टोटल फ्रेंड्स 5 अंडे दिए थे और अभी एक चिक्स के साथ इसके 3 अंडे दिख रहे हैं मुझे, तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए मोबाइल को अंदर डालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी फ़ीमेल बैठी हुई है, तो फ़ीमेल को हटाने की कोशिश करते हैं। फ़ीमेल को हटा करके फिर आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए, मटके को मैं उतारूँगा तभी फ़ीमेल भागेगी, नहीं तो फ़ीमेल भागेगी नहीं। तो चलिए मटके को उतारते हैं। फ़ीमेल डर भी रही है और इसकी एक्टिविटी से लग भी रहा है कि बच्चे आ गए हैं। तो मटकी मैं उतार लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसा कि मैंने मटकी उतार लिया और अभी मुझे एक चिक्स देखने को मिल भी गया है। और आप लोग भी देख लो कि 3 अंडे हैं और जो एक चिक्स दिख रहा है। बस अब जैसे सक्सेसफुली बच्चे हैच हो गए हैं, वो आप लोग भी दुआ करना कि सक्सेसफुली बच्चे बड़े भी हो जाएं। तो डे बाय डे जैसे भी अपडेट रहेगी वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगा। ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।